यूपी के रामपुर में सपा उम्मीदवार तंजीम फतिमा ने सादगी के साथ अपना नामांकन दाखिल किया। इससे पहले सपा कार्यालय पर ढाई महीने बाद पहुंचे आजम खान ने सभा को संबोधित किया और अधिकारियों को 88 मुकदमे दर्ज करने की खरी खोटी सुनाई। कहा, ये अधिकारी सरकार को बदनाम कर रहे हैं। अधिकारी मुझे किस गलती की सजा दे रहे हैं मुझे भी नहीं मालूम। मेरे बच्चे, मेरे बूढ़े भाई बहन पर पुलिस का जुल्म हुआ। बाहर से आने वाले मेहमानों को हाथ मसूद करना, मेरी फिक्र मत करना, मेरा इंतजार भी। अभी नतीजे का इंतजार रहेगा और नतीजे का तरीका ये होगा कि एक एक दरवाजे पर जाएंगे आप, चाहे वो शहर हो या गांव, पूरे जिले के लोग, पूरे उत्तर प्रदेश से आए मेहमान एक एक दरवाजे पर जाकर जब तक हाँ नहीं करा लेंगे दरवाजा नहीं छोड़ेंगे। वहीं सपा प्रत्याशी तंजीम फातिमा ने कहा कि सभा का मेरा कार्यकाल अभी बाकी है, एक डेढ़ वर्ष है, लेकिन क्योंकि मैंने ये देखा कि तीन चार महीनों में इस शहर के नागरिकों पर, बेगुनाह नागरिकों पर जो जुल्म हुए हैं, खास तौर से समाजवादी पार्टी के समर्थकों पर जो लोग आजम खान साहब से जुड़े हुए थे, जो जुल्म हुए हैं और मेरे अपने परिवार पर जो मुकदमे लगाए गए हैं, मेरे परिवार को तकरीबन, मुझे, मेरे शौहर को, मेरे बच्चों को इन मुकदमों के जरिए बर्बाद करने की कोशिश की गई है, तो मैंने ये सोचा कि मैं विधानसभा के लिए इलेक्शन में आऊं और राज्यसभा में चूंकि ज़्यादातर जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं वही डिस्कस होते हैं, लोकल इशूज़ के लिए मौका बहुत कम ही मिल पाता है। वो इंशाल्लाह कायम रहेगा और मैं पूरी आश्वस्त हूँ कि मैं ही जीतूँगा। ठीक है, ठीक है।